अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ओर जहां विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का फैसला सुनाया है, तो वहीं दूसरी ओर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया है। इसी के साथ सीजेआई रंजन गोगोई ने मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाए जाने का भी आदेश जारी किया है। इसी के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का ट्रस्ट आखिर कैसा होगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि सरकार सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर इसके लिए एक ट्रस्ट का निर्माण कर सकती है और इसी एक हफ्ते के अंदर इस ट्रस्ट का गठन किया जा सकता है। गौरतलब है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में मात्र 6 सदस्य हैं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या और ज्यादा हो सकती है और ट्रस्ट के सदस्यों के चयन में प्रधानमंत्री की भी अहम भूमिका हो सकती है। इसी के साथ ट्रस्ट में राम मंदिर से जुड़े संगठनों को भी शामिल किया जा सकता है। यही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर केस लड़ने वाले राम जन्मभूमि न्यास और निर्मोही अखाड़े के सदस्यों को भी ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। ट्रस्ट का काम तेज गति से हो और कार्यशैली कुशल रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के नुमाइंदे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी खुद राम मंदिर से जुड़ी प्रगति पर नजर रखेंगे। इसके लिए पीएम कार्यालय से भी किसी को सदस्य बनाया जा सकता है। हालांकि ट्रस्ट बनाने के लिए जरूरी है कि उसका कार्यक्षेत्र तय किया जाए और उसके हर सदस्य की जिम्मेदारी भी तय हो। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या तय करती है कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, ये जल्द ही पता लग जाएगा और फिर शुरू होगा भव्य मंदिर का निर्माण। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।